Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की जानिब से दी गई अजीम क़ुरबानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में नौ मुहर्रम अल हराम आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में नौ मुहर्रम अल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा तीन रोज़ के दौरान मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। बारिशों का सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादित मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। सिंध के ज़िला कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 डाकू हला। डाकुओं को पंजाब के इलाके रहीम यार खान से सिंध में दाखिल होने के दौरान मारा गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि निगरा वजीर आजम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कभी अपना नाम निगरा वजीर आजम के लिए नहीं दिया, ना कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि चेयरमैन PTI मेरे लीडर हैं और वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे। 80 दिन बाद जेल से रिहाई पर अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई को जिन लोगों ने नुकसान किया वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, जिसने गलती की सजा मिलनी चाहिए। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की जानिब से दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में नौ मुहर्रम हराम आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। आज नवे मुहर्रम के रोज़ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में मजालिस और शबी इल्मुज़्जना के जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए अपनी अपनी मनाजिल पर इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस के दौरान आज़ादार मातम और नोहा खानी करते हुए शहदाए करबला पर ढाए गए मजालिम को याद किया गया। जुलूसों के रास्तों में बड़ी तादाद में नजर न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। इस्लामाबाद में नौ मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाश्री G6 से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ उसी जगह इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस के मुताबिक मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर 1685 अहलकार और अफसरान तैनात थे, जिनमें 5 DPOs, 14 DSPs और 21 इंस्पेक्टर्स ने भी फराइज सर अंजाम दिए, जबकि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और FC भी तैनात थी। कराची में नौ मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद हुआ। मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में मुनक्किद हुई, जिससे अल्लामा शहनशाह नकवी ने खिताब किया। मजलिस के बाद निश्तर पार्क से जुलूस रवाना हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ
इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस भी मौतल रही। लाहौर में नवे मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह खेमा सादात पर इख्तिताम पजीर हुआ। पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से आगाज के बाद ये जुलूस सिराज बिल्डिंग पर मुख्तसर पड़ा और नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। फिर इस्लामपुरा चौक, नीलीबाग चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट से होता हुआ पुरानी अनारकली पहुंचेगा, जहां नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। इसके बाद ये मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह खैमा सादात पर इख्तिताम पजीर होगा, जहां मजलिस अजा होगी, जिसके बाद शुरका वापसी इसी रूट से पांडू स्ट्रीट पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IGP पंजाब के हमराह सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए जुलूस के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। दूसरी जानिब पेशावर में भी नवे मुहर्रम की मुनासबत से मरकजी जुलूस बरामद हो गए। पहला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हुआ, जबकि दूसरा जुलूस इमाम बारगाह बीबी साहिबा तहसील से निकाला गया। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए वापस उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होंगे। मुल्क भर में नौ मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस के रूट पर आने वाली बुलंद इमारतों और मरकजी जुलूस के अतराफ और गुजरगाहों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए और जुलूस के रास्तों की फिजाई निगरानी भी की गई। मुतादिद शहरों में जुलूस की में मोबाइल फोन सर्विस बंद होगी और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा तीन रोज के दौरान मानसून की बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। बारिशों का सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब में जुमा और हफ्ता तूफानी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुगयानी का खदशा है। दूसरी जानिब PDMA ने बारिशों के दौरान शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मिट्टी का ढेर बन गए, जबकि फसलें तबाह और नशे भी इलाके जेरे आब आ चुके हैं। आवारान में मुतादिद गाड़ियां बरसाती रेले में बह गई। मुकामी अफराद ने खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कोयटा और कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सिंध में हालिया बारिशों के नतीजे में हब डैम से निकलने वाले सैराबी रेले ने हब नदी के मुतबादल रास्ते को भी मुतासर किया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हब डैम से निकलने वाले रेले से हब नदी के मुतबादल रास्ते भी मुतासर हुए हैं, जबकि चार रोज से कराची का बलूचिस्तान से बराह रास्त जमीनी राबता मुनक़ता है। सिंध के ज़िला कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 डाकुओं को हलाक कर दिया। SSP कश्मीर अमजद शेख की सरबराही में ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 8 डाकू मारे गए। उन डाकुओं को पंजाब के इलाके रहीम यार खान से सिंध में दाखिल होने के दौरान मारा गया। मरने वाले डाकुओं का ताल्लुक जानू अंधड़ ग्रुप से था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है और कश्मीर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 8 डाकू मारे गए हैं। अमजद शेख के मुताबिक रहीम यार खान में ऑपरेशन जारी था, इस दौरान डाकू सिंध में दाखिल हो रहे थे, जिनसे मुकाबला हुआ और फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। उन्होंने कहा कि डाकुओं से फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। SSP कश्मीर के मुताबिक हलाक डाकू सिंध और पंजाब में डकैती, अगवा, कत्ल की वारदातों में मुलव्वस थे और उन पर 1 करोड़ से ज़ायद इनाम मुकर्रर था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए, तमाम अफराद सियासतदान हैं। ख्वाजा आसिफ ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के हवाले से कहा कि उन्होंने तो कभी अपना नाम निगरान वजीर आज़म के लिए नहीं दिया, ना किसी स्टेज पर ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया है। अपने एक बयान में वफाकी वजीर दिफा ने कहा कि मेरे ख्याल में 90 दिन में इलेक्शन हो, यही हमें सूट भी करता है। मेरी जाती राय है इलेक्शन 90 दिन से पहले भी हो। मेरे ख्याल में असेंबलियाँ 2 दिन पहले तहलील हो जाएंगी। असेंबली में मैदान खाली छोड़ा जाता तो बहुत मुश्किल होती। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझे निगरान वजीर आज़म के हवाले से कोई ऑफर नहीं हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 4 से 5 नाम फाइनल किए हैं, जो दूसरी पार्टियों से भी डिस्कस होंगे। निगरान वजीर आज़म का नाम 1 हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि आसिफ जरदारी से मुतालिक एतबार का बयान मेरा जाती था, अब भी उनसे मुतालिक एहतियात करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि चेयरमैन PTI मेरे लीडर हैं और वो दोबारा वजीर आज़म बनेंगे। अली मोहम्मद खान ने 80 दिन बाद जेल से रिहाई पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई गैर मुहिब वतन या दहशतगर्द नहीं। 9 मई को जिन लोगों ने नुकसान किया वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी,
जिसने गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी जमात तालीम याफ्ता लोगों की है। मेरा पैगाम मोहब्बत है। जिस मिशन के लिए साथ दिया अल्लाह ने इस्तेकामत दी। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क को पुरअमन तरीके से शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा कर हथकड़ियाँ पहनाई गईं, जिसका बड़ा दुख है। न जाने किसको खुश करने के लिए मुझे हथकड़ियाँ लगाई गईं। हमारे कारकुन इस्लामी फलाही रियासत के लिए कोशा हैं। साबिक वजीर आजम पर दहशतगर्दी के मुकदमात मुल्क की बदनामी है। मुल्क को आगे बढ़ना है तो किसी जमात को कॉर्नर ना किया जाए। इलेक्शन में फैसला आवाम को करने दें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। इदारों से गलत फहमियों के खात्मे के लिए काम करूंगा। जो लोग हमें छोड़ गए उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वो वक्त इम्तिहान का था, अपने लीडर के साथ खड़े रहते तो अच्छा था। उन्होंने कहा कि सियासी कारकुन पाकिस्तान की बका और सलामती की कोशिश करें, एक दूसरे को दीवार के साथ ना लगाएं, इससे किसी को फायदा ना होगा। सियासी निज़ाम मजबूत होगा तो पाक फौज मजबूत होगी और मुल्क मजबूत होगा। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushamdeed. Ek China se abhi tak corona case Pakistan mein nahi aaya. Kisi jarnail se sawal poocho to qaumi salamati ke upar hamla. Ab maine inke piche jana hai. Apna na laiki ko chupana, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, सना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।